यूक्रेन रूस के बीच 51 दिनों से चल रही है जंग। कीव, खार्किव समेत कई बड़े शहर हुए तबाह। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध 51 दिन में पहुंच गया है और इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। दोनों देशों में से कोई भी इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन की इमारतें, सड़कें, दुकानें, होटल, लोगों के व्यवसाय तहस नहस हो गए हैं। एक कतार से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहां से लोग पलायन कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन पालतू जानवर सड़कों पर भटक रहे हैं। यूक्रेन का बोरोदिनका क्षेत्र, जिसमें अभी भी लोग मौजूद हैं, वो आसपास के गांवों से मिल रहे राहत सामान के भरोसे खुले आसमान के नीचे हैं। इनके पास ना तो गैस है, ना बिजली और ना ही घर। इलाके की बुजुर्ग महिलाएं लकड़ी पर खाना बनाकर, आपस में खाना बांटकर गुजारा कर रही हैं। बुजुर्ग होने के कारण ये लोग कहीं बाग पाने में असमर्थ हैं और यही इसी हाल में रहने पर मजबूर है। हालांकि युवा पीढ़ी जहां तहां पलायन कर चुकी है। रूस ने पहले इलाके में रॉकेट से हमले किए और फिर खुद दाखिल हुए। इलाके में दाखिल होने के दौरान हवाई फायरिंग की गई, लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और बेकसूर लोगों को अपना निशाना बनाया गया। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और इसी बीच में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दे दी है। रूस ने गुरुवार को स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि वह रूस के पश्चिमी हिस्से में अपने सैनिकों की संख्या दोगुने से अधिक बढ़ा देगा। फिनलैंड की सीमा रूस की सीमा से लगती है। फिनलैंड रूस से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अभी हाल ही में फिनलैंड के पीएम सरा मारीन ने कहा था कि फिनलैंड अगले कुछ दिनों में नाटो में शामिल होने का फैसला कर सकता है। वहीं स्वीडन के भी नाटो में शामिल होने की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले के खिलाफ ही हमला शुरू किया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने और वो अमेरिका और नाटो से इस बात की गारंटी की मांग कर रहे थे। रूस ने फरवरी 24 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद से अब तक लगातार युद्ध जारी है।